तो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप सब ये जो देख सकते हैं, ये जो डब्बा आप सबको दिख रहा है, ये है दोस्तों कैमरा, ठीक है। और कौन सा कैमरा है, तो ये है दोस्तों DSLR कैमरा, आप सब देख सकते हैं। और ये बॉक्स बिल्कुल नया है और ये मैं ओपन नहीं करवाया हूँ, ठीक है। और देख सकते हैं बिल्कुल नया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका अनबॉक्स करते हैं। देख सकते हैं चारों तरफ से ये सील है, इधर से भी सील है और ये इधर से भी सील है, आप देख सकते हैं। और इधर से भी, और इधर से भी आप देख सकते हैं, इधर पूरा पूरा सील है और इधर आप सब देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये पूरा डब्बा जो है पूरा सील है, कहीं से ये अनबॉक्स कभी नहीं किया गया है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पिछला कैमरा से वीडियो को शूट करते हैं और इसको हम अनबॉक्स करते हैं, ठीक है, ताकि पिछला वाला जो कैमरा होगा वो थोड़ा हाई क्वालिटी में होगा, तो अनबॉक्स करेंगे तो अच्छा मतलब आएगा वीडियो क्वालिटी, ठीक है। और देखते हैं फाइनली इसमें क्या है, हमारा कैमरा है या नहीं है, ठीक है। तो ये रहा डब्बा, चलिए यहाँ पे रखते हैं और इस फोन को, चलिए ये जो वीडियो है बैक कैमरा को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आप सब देख सकते हैं ये रहा डब्बा बॉक्स, आप सब देख सकते हैं, ये चारों तरफ से देख सकते हैं, कहीं से भी अभी फाटा उटा नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है, और इधर से भी देख सकते हैं, ताकि अगर इसमें मतलब गलत सामान निकलेगा तो वापस हम कर देंगे, ठीक है। इसलिए पहले वीडियो बना लेते हैं, चारों तरफ से आप सब देख सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ से बिल्कुल ये अभी पैक है। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ से हम इसको फाड़ते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये है पेचकस, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से इसको, और चलिए यहाँ से, हाँ तो फाइनली इसको मैं यहाँ से फाड़ दिया दोस्तों, ठीक है। अब ये फाइनली फट गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो थोड़ा सा इधर अभी लगा हुआ है, हाँ, और इधर भी लगा हुआ है। चलिए थोड़ा बहुत बढ़िया से पैकिंग किया है ना, इसलिए, हाँ तो ये भी फाड़ लिए। हाँ अब देख सकते हैं ये रहा डब्बा अपना, इसको भी, और ये इस डब्बा में कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा, आप सब देख सकते हैं। और ये है, और इसमें क्या क्या है, तो ये देख सकते हैं साइड में कूट उठा है। और ये रहा अपना कैमरा का डब्बा, आप सब देख सकते हैं, वाह, ये देख सकते हैं दोस्तों EOS 90D, आप सब देख सकते हैं। तो फाइनली अनबॉक्स हो गया और देख सकते हैं ये बिल्कुल सील पैक है, अभी इसको ओपन बिल्कुल नहीं किया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको, हाँ अब दूर से आप सब देख सकते हैं, ये रहा, ये है खाली इसका जो सिर्फ बॉडी है, ठीक है। और इस कैमरा से आप फोड़ के भी वीडियो शूट कर सकते हैं, यहाँ आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और कैमरा के बारे में तो उतना भी मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कैमरा है, तो यूज करूँगा तभी मेरे को पता चलेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब ये जो कैमरा है इसको साइड में रखते हैं, जो कूट है, ये जो कूट है इसको चलिए उधर साइड में रख देते हैं। तो उधर कूट को उधर मैंने रख दिया, और ये रहा अपना मेन कैमरा, आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ये देख सकते हैं, वाओ EOS 90D कैनन का कैमरा, आप सब देख सकते हैं। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं, यहाँ से इसको भी यहाँ से ओपन करते हैं। चलिए फ़ोन को वहाँ पर मैं अपने स्टैंड पर वहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, फाइनली डब्बा में से निकाल लिया हूँ मैं अपने कैमरा को, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और ये अभी सील पैक है, अभी इसमें भी, इसके अंदर जो अपना कैमरा है इसके अंदर है, आप सब देख सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल एकदम पैक है, आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको भी यहाँ से निकालते हैं, अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए ऐसे यहाँ से ऐसे फाड़ कर ही निकालना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ से फाड़ कर ही निकालना पड़ेगा, हाँ। तो हाँ
थोड़ा सा या। तो दोस्तों फाइनली ओपन कर दिया डब्बा को। थैंक यू सो मच। तो चलिए इसको निकालते हैं। थोड़ा सा कैमरा को रुक जाइए, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ आप देख सकते हैं। तो ये है। हाँ और चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो दोस्तों ये फाइनल डब्बा ओपन हो गया है और इसमें आपको ये देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कैनन का मतलब ये डायरी हो रही है। आप मतलब इसके बारे में जान सकते हैं और इस्तेमाल सही से कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। मुझे अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं आप सबको गलत जानकारी नहीं देना चाहता, तो इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा आप सबको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये जो आपको कुछ इस प्रकार से डाबे में कुछ ये देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए इसको इधर साइड में रखते हैं। और ये क्या है, तो चलिए इसको भी ओपन करते हैं। हाँ तो कैनन, तो देख सकते हैं ये है चार्जर। शायद इसी में बैटरी को लगाकर चार्ज मतलब किया जाता होगा कैमरा का बैटरी का। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चार्ज करने वाला आपको देखने को मिलेगा और इसके पीछे लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा। आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं यहाँ। और ये है मतलब ये है केबल। ठीक है, जो मतलब चार्ज इसी से शायद इसी से कनेक्ट होकर बैटरी चार्ज होगा। तो चलिए इसको भी इधर साइड में रख देते हैं। और क्या क्या है, और इसमें आपको ये बेल्ट भी देखने को मिलेगा मतलब हुक देखने को मिलेगा कैमरा में खोस कर लगाने के लिए, जैसे मैं आप गाला में भी लटा सकते हैं। देख सकते हैं EOS 90D दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। और ये कैमरा कितना का पड़ा तो मैं आप सबको बताऊंगा, आप सब वीडियो पर बने रहिए। तो चलिए इसको इधर साइड में रख दिया। अब चलिए फाइनली इसको निकालते हैं। और ये रहा डब्बा कुछ इस प्रकार से। और हाँ मेन चीज़ तो बताना भूल गया, ये है कैनन 90D कैमरा का, मेरा कैमरा का ये है बैटरी। तो बैटरी कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। बैटरी कितना 1000 mAh की बैटरी है, चलिए वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, बता ही देता हूँ। तो चलिए अभी पैक है तो कुछ इस प्रकार से बैटरी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको टेप से सटा हुआ है ना, इसलिए चलिए उतार कर दिखाते हैं। नया है ना इसलिए। हाँ तो कुछ बैटरी कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं कैनन, और कितना 1000 mAh की बैटरी है वो इसी पर दिख जाएगा। बैटरी शायद इस पर नहीं बता रहे कि ये कितना mAh का बैटरी है। ठीक है, तो शायद ये निकलता होगा, का पता नहीं निकलता होगा। हाँ तो शायद ये निकलता है दोस्तों। ठीक है, पहली बार ये मैं मतलब निकाल रहा हूँ ना, इसीलिए मतलब थोड़ा डर डर कर निकाल रहा हूँ, अनबॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि बहुत महंगा कैमरा है भाई साहब, बहुत महंगा। तो कुछ इस प्रकार से ये बैटरी आप सबको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आगे से पीछे से। ठीक है, और ये कितना mAh का बैटरी है, तो ये जो mAh का बैटरी है 1865 mAh का ये बैटरी है और देख सकते हैं यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम पैक कर देते हैं क्योंकि आपको पता है ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ज़्यादा मतलब गलत नॉलेज नहीं देना चाहिए। तो चलिए इसको बैटरी को भी साइड में रख देते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसको भी साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा कैमरा, हाँ अब ये रहा डब्बा। तो चलिए इसको भी इधर साइड में रख देते हैं। और बाकी इस आपको ये कागज़ वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, रजिस्टर नाउ टू अवेलेबल 2 ईयर्स वारंटी, और आपको 2 साल का वारंटी भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। और ये कुछ लोगो भी देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं। तो चलिए इसको भी साइड में रख देते हैं। और फाइनली ये रहा अपना कैमरा। तो चलिए कैमरा को फाइनली
अनबॉक्स करते हैं, देख सकते हैं ये पैक है। अरे भाई मेरे, ओह दिल गदगद हो रहा है भाई साहब। वाओ कितना सो स्वीट है यार। तो देख सकते हैं इसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा अपना कैमरा दोस्तों। तो चलिए बॉडी को फाइनली हाथ में लेते हैं। अरे भाई यार, हाँ ओ माय गॉड। तो दोस्तों ये है अपना कैमरा, देख सकते हैं। वाओ दोस्तों बहुत ही, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, एक अलग लेवल का खुशी मतलब मिल रहा है। नहीं दिख रहा है, अच्छा ये लगा हुआ है ना इसलिए। तो ये ओनली बॉडी है दोस्तों, ठीक है। और देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से आप सबको चारों ओर से देखने को मिलेगा। इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। आप सब कैमरा को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। जब फर्स्ट टाइम जब कोई भी कैमरा को हाथ में लेता है ना इस प्रकार से, और न्यू कैमरा, लाइफ में पहली बार कैमरा मैं छू रहा हूँ, न्यू कैमरा और खुद का कैमरा और खुद के पैसों से कमाया हुआ, ठीक है। आप सब देख सकते हैं और कुछ इस प्रकार से एक कैमरा देखने को मिलेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इधर आपको देख सकते हैं कैनन लिखा हुआ मिलेगा, और इधर आपको भी लिखा हुआ मिलेगा EOS 90D, आप सब देख सकते हैं। और हाँ इसमें ना आपको ये स्क्रीन भी देखने को मिलेगा, ये जो स्क्रीन है आप इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं और इसको ऐसे मोड़ भी सकते हैं, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ऐसे, ठीक है। और ताकि आप आराम से वीडियो शूट कर सकते हैं और खुद का वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जे कुत्ते मैं कर देता हूँ, हाँ तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, आप सब देख सकते हैं। और हाथ में लेने के बाद मतलब एक अलग लेवल का ही फील आ रहा है। आप इससे ब्लॉग भी कर सकते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? तो फाइनली आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो देख सकते हैं फाइनली मैं मतलब बहुत खुश हूँ दोस्तों, और थैंक यू सो मच दोस्तों। तो चलिए इसको मैं फिर से ये बंद कर देता हूँ, हाँ। अब चलिए थोड़ा सा ये निकालता हूँ, हाँ तो देख सकते हैं इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा, आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूरा लेंस उनसे नहीं है इसमें, मैं लेंस उनसे नहीं मंगाया हूँ, ठीक है, वो अलग से मैं लेंस मंगाया हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कैमरा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ओनली ये बॉडी है दोस्तों, ठीक है। और चलिए अब इसे यहाँ पैक कर देते हैं इसमें, हाँ तो ये मैं पैक कर दिया। अब इसको थोड़ा सा साइड में यहाँ रख देते हैं। और हाँ दोस्तों मैं लेंस भी मंगाया हूँ M50, ठीक है, कैनन का ही M50 50mm का मैं लेंस मंगाया हूँ, क्या ये बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए वो साइड में ही इधर ही है, और मैं फ्लिपकार्ट से मंगाया हूँ। और देख सकते हैं ये है लेंस, ठीक है। तो इसका मैं अनबॉक्स कर लिया हूँ और देख लिया हूँ। तो चलिए फिर से एक नकली अनबॉक्सिंग कर देते हैं, यहाँ से फाड़ लिए और इसको भी निकाल दिए, और यह है लेंस, आप सब देख सकते हैं, ठीक है, जो M50 है, आप सब देख सकते हैं कैनन का M50। और चलिए इसको भी आप सबको मैं दिखा देता हूँ, और इसमें भी आप सबको कुछ इस प्रकार से कागज वगज देखने को मिलेगा, इस लेंस के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए इसको भी साइड में रखते हैं और लेंस को निकालते हैं दोस्तों, हाँ। तो ये है लेंस,
जो आप इसमें लगाकर आराम से शूट कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है, देख सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से ये देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ना, कि बाप रे, आप सब सोच रहे हैं कि बाप रे रुपेश भाई कैमरा खरीद लिए हैं और लेंस भी खरीद लिए हैं, और वो भी 90D, बापा रे बाबा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको खरीदने के लिए ना अपने आप को मैं कितना घिसा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, और इसके पीछे बहुत मेहनत है, ठीक है, और मेहनत के बाद ही ये इम्पॉसिबल हो सकता है। और आप भी मेहनत कर कर आप भी कैमरा परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, और आज भी वीडियो मैं शूट करता हूँ, तो एक फ़ोन से ही वीडियो शूट करता था, और आज फ़ोन से ही वीडियो शूट कर कर के बना बना के आज आप सब देख सकते हैं। आपके भाई ने मोबाइल से वीडियो शूट कर कर और मोबाइल से मतलब पैसा कमा कर एक नया कैमरा ले लिया है दोस्तों, आप सब देख सकते हैं। और अब जो वीडियोज आएगा ना दोस्तों, मतलब इसी कैमरा से आएगा, तो अब जो क्वालिटी आएगा वो भी मतलब नहीं होगा, वो भी मतलब अलग लेवल का क्वालिटी आएगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस कैमरा का, इस सिर्फ बॉडी का कितना प्राइस है और इस लेंस का कितना प्राइस है। तो सिर्फ ये बॉडी मेरे को पड़ा दोस्तों 97,000 का, ठीक है, और ये जो लेंस है 10,500 का पड़ा, यानी कितना पड़ा लगभग, यानी 1,07,000 का, 1,07,000 का ये मेरा कैमरा लेंस दोनों मिलाकर ये पड़ा दोस्तों, ठीक है। 1,00,000 दोस्तों, समा 1,07,000, यानी लोग साल भर कमाते हैं तब जाकर उतना पैसा लोग इकट्ठा कर पाते हैं, और हो भी नहीं पाता है, 1 साल से भी अधिक लोग कमाते हैं उसके बाद इकट्ठा होता है, और होता भी नहीं होगा यार, बाहर जाकर कोई पैसा कमाता होगा तो नहीं बच पाता होगा उतना, खा पी कर कम से कम 80-90 इतना बचा पाता होगा बेचारा, ठीक है। और आप देख सकते हैं आज आपका भाई इतना महंगा कैमरा लिया है। तो ये कैमरा मैं लिया हूँ ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं ले पाया हूँ, और अपनी मेहनत के वजह से मैं ले पाया हूँ, ठीक है। और तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, और आपका भाई नया कैमरा खरीदा है तो आप सबको कैसा लगा। और मेरे को कैमरा के बारे में बिल्कुल नहीं पता है दोस्तों, मैं लाइफ में सचमुच में पहली बार कैमरा को देख रहा हूँ, छू रहा हूँ, मतलब देखा हूँ लेकिन खुद का कैमरा पहली बार छू रहा हूँ, और न्यू कैमरा पहली बार छू रहा हूँ हाथों में, और इस प्रकार से, और कभी भी मेरा DSLR से फ़ोटो नहीं खिंचाया है, चाहे वीडियो जी मतलब नहीं बना है, तो फाइनली, और अब वीडियो भी बनेगा तो खुद का कैमरा से बनेगा। क्या बात है यार, यार थैंक यू सो मच, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी कैमरा खरीद सकते हैं, अगर आप भी फ़ोन से वीडियोज बनाते हैं तो बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एक दिन ऐसा ज़रूर वक्त आएगा जो आप भी एक दिन ज़रूर कैमरा खरीदेंगे और आप भी कैमरा से वीडियोज बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और हाँ, इसका वीडियो क्वालिटी कैसे आएगा वो मैं आपको मतलब पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानूंगा, सीखूंगा, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा वीडियो बनाकर आप सबको टेस्ट कराऊंगा कि इस 90D कैमरा का मतलब वीडियो क्वालिटी किस प्रकार से आता है। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैं लंबा कर दिया हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, और देख सकते हैं मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ, बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ। तो चलिए, आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।